कोरोना का संकट पूरी दुनिया में बना हुआ है, पूरी दुनिया इसे लड़ रही है। कोरोना वॉरियर्स के साथ हमारा देश इस लड़ाई में जरा भी पीछे नहीं है, लेकिन इन सब के बीच हर देशवासी अब इस संकल्प से भी भरा हुआ है कि इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। इससे हमें देश का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बना रहा है। ये टर्निंग पॉइंट क्या है? आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। आत्मनिर्भरता का, सेल्फ रिलायंस का ये भाव बरसों से हर भारतीय ने एक एस्पिरेशन की तरह जिया है, लेकिन फिर भी एक बड़ा काश, एक बड़ा काश हर भारतीय के मन में रहा है, मस्तिष्क में रहा है। ये काश क्या है? काश हम मेडिकल इक्विपमेंट के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते, काश हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर होते, काश हम कोल और मिनरल्स के सेक्टर में आत्मनिर्भर होते, काश हम एडिबल ऑयल में, फर्टिलाइजर्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते, काश हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर होते, काश हम सोलर पैनल्स, बैटरीज और चिप मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर होते, काश हम एविएशन सेक्टर में भी आत्मनिर्भर होते। ऐसे कितने सारे काश, अनगिनत काश हमेशा से हर भारतीय को झकझोरते रहे हैं। साथियों, एक बहुत बड़ी वजह रही है कि बीते 5-6 वर्षों में देश की नीति और रीति में भारत की आत्मनिर्भरता का लक्ष्य सर्वोपरि रहा है। अब कोरोना क्राइसिस ने हमें इसकी गति और तेज करने का सबक दिया है। इसी सबक से निकला है आत्मनिर्भर भारत अभियान। साथियों, हम देखते हैं परिवार में भी संतान, बेटा हो या बेटी, 18-20 साल का हो जाता है तो मां बाप उसे सबसे पहले कहते हैं कि अपने पैरों पर खड़े रहना सीखो। हर परिवार में सुना होगा, आप जो मुझे सुन रहे हैं सबने सुना होगा कि 18-20 साल की उम्र में उनके मां बाप ने उनको कहा होगा कि बेटे, बेटी, अब अपने पैरों पर खड़े रहना सीखो। एक तरह से आत्मनिर्भर भारत का पहला पाठ परिवार से ही शुरू होता है। भारत को भी अपने पैरों पर ही खड़े होना होगा।